प्रस्ताव लिखित 10.2 का चौथा सवाल भुजाओं की संख्या में निकालनी है, प्रत्येक अंतर कोण दे रखा है 165 डिग्री, तो सम बहुभुज के प्रत्येक अंतर कोणों का योग जो होता है वो दे रखा है 165 डिग्री। फॉर्मूला होता है एन माइनस दो इंटू 180 डिग्री बटे हुए एन बराबर 165 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे, ये एन यहाँ पर भाग में है बराबर उधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, तो एन माइनस दो इंटू 180 डिग्री इस एन को उधर भेजेंगे 165 डिग्री तो गुणा में बदल जाएगा 165 डिग्री इंटू एन। अब यहाँ पे 180 डिग्री का गुणा एन में करेंगे तो 180 डिग्री एन, फिर प्लस माइनस माइनस में जाएगा 180 डिग्री का गुणा दो में करेंगे 360 बराबर 165 डिग्री का गुणा एन में करेंगे तो 165 डिग्री एन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री एन इधर ही रहेगा, 165 डिग्री एन इधर है, इसको इधर लेंगे तो प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, माइनस के 165 डिग्री है, ये माइनस के 360 डिग्री बराबर के उधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री में से 165 गया तो 15 एन बराबर 360 डिग्री, हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन और 15 दोनों गुणा हो रहा है तो भाग में बदल जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 360 डिग्री 15 बराबर 24 हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। अब पांचवे सवाल में हमें प्रत्येक बाएं कोण दे रखा है और भुजाओं की संख्या हमें निकालनी है तथा ये याद करना है कि क्या ऐसा एक बहुभुज संभव है अथवा नहीं है। तो प्रत्येक बाएं कोण बराबर 22 डिग्री संभव भुजाओं की संख्या बराबर, तो फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे हुए बाएं कोण बराबर 360 डिग्री बटे हुए भुजाओं का भाग देंगे 22, दो से काटेंगे 180 डिग्री और ये आ जाएगा 11 डिग्री। चूंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है अतः ऐसा कोई बहुभुज या बहुभुज संभव नहीं होगा।